तो हम बात एग्जिट पोल पर भी कर रहे हैं और कल तो खैर एग्जिट पोल आ ही जाएंगे और उसका इंतजार हर किसी को है, लेकिन जातियों के खांचे में जब अगर आप देखेंगे अलग अलग वोटर्स को तो कौन कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। बिहार की बात अब डिटेल में कर लेते हैं, बिहार में किस जाति के लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है, शिरीन आपको बताएंगी कि सर्वे का क्या संकेत है। बिल्कुल अखिलेश, अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि बिहार में जो जातियां हैं वो किसके साथ जाती दिख रही है, सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो देखिए, अब आपके सामने ये सर्वे का आंकड़ा सामने आ गया है। यादव जाति जो एनडीए के साथ 31% जाति दिख रही है, 62% जो यादव वोट है वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और 7% पर अन्य का कब्जा। कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा जाति यहाँ पर 69% एनडीए के साथ, 25% इंडिया गठबंधन, 6% पर अन्य कब्जा कर सकता है। पासवान जाति की बात करें तो 50% एनडीए के साथ, 38% पर इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है, 12% अन्य के खाते में जा सकता है। अब राजपूत की बात करें तो 65% एनडीए, 27% इंडिया गठबंधन और साथ ही 8% अन्य के खाते में। भूमिहार 55% जो है वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, 37% इंडिया गठबंधन के साथ और 8% अन्य के साथ। अब ब्राह्मण की बात करें तो 64% एनडीए के साथ, 31% जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ और 5% पर अन्य भी कब्जा कर सकते हैं। तो बिहार में जो जातियों का एग्जिट पोल है, सर्वे के आंकड़े ये रहे हमारे सामने। अखिलेश, सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आप ही के पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि बिहार में तो आप लोग कह रहे थे कि बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से भी आप लोग कह रहे थे कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो चीजें कम से कम इस सर्वे में तो नजर नहीं आ रही हैं। अब इसे कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अखिलेश भाई कल तक आ जाएगा, कल तक आप ही कहेंगे कि सारी जातियों ने हमको वोट दिया है, सारे युवाओं ने हमको वोट दिया है, और जो पहली बार जिन लोगों को नौकरी मिली है ना तेजस्वी के शासनकाल में, उन लोगों ने भी हमें वोट दिया है। हाँ, एक बात और मैं राकेश जी से कह दूं, ये जो उपाध्याय जी हैं, सत्य जो होता है सत्ता नहीं होती है, राकेश जी याद रखिएगा इस बात को, और दोबारा जब भी बोलें तो ये सोच करके बोलिएगा कि सत्य कभी सत्ता नहीं होती, सत्य के आधार पर सत्ता विरोध में जो आदमी खड़ा होता है वो याद रखा जाता है। और नरेंद्र मोदी से चाटू का, अरे बीच में मत बोलो, सुनो पहले नाम लेकर, पहले बीच में मत बोल, पहले तो बहस की तमीज सीखो, आधार पर सत्ता चलती है, सत्य के मैंने कहा ना, पहले बहस की तमीज सीखो, आप लोग छोड़ चुके हैं, मैंने कहा पहले बहस की तमीज सीखो, अरे बदतमीज आदमी पहले बहस की तमीज, राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी पहले कहा ना, मैं आपकी भाषा पर नहीं आ सकता, बीच में नहीं बोला ना, ये राजपूत मैं आपकी भाषा पर नहीं आ सकता, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर क्यों हम बात करने लग जाएंगे, ये आप व्यक्तिगत मत होइए, मैंने कहा सत्य के आधार पर ही सत्ता चलेगी, अखिलेश भाई और सत्य आपके साथ नहीं है, ठीक है राकेश, अखिलेश भाई मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला, ठीक है सुरेंद्र जी, हमें आपको पता है, हमारी बात पूरी होने दीजिए, भाषाई मर्यादा, ये जो झूठ है, छल है, कपट है, मैंने तो बद्री नारायण जी को कुछ नहीं कहा, यही आदमी को क्यों कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता कर रहा है बैठ करके, भाई सुरेंद्र राजपूत जी शुद्ध चाटुकारिता कर रहा है, लखनऊ के रहने वाले हैं क्या, मतलब इस तरह की भाषा का क्या मतलब है, मीठी तुम क्या कर रहे हो, कांग्रेस की चाटुकारिता नहीं कर रहा तू, दिखाई दे रही राकेश क्या कर रहे हो, राकेश जी से भी कह रहा हूँ, राकेश जी आपस में बदतमीजी से बात कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो कांग्रेसी हैं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं सबको कांग्रेसी, हम तो कर रहे हैं, चाहे साहब कह रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आचार्य हूं, ओजी के साथ वो चाटुकार हो, ये तो बोले ने सुरेंद्र राजपूत जी, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए, मैं भी सुना देता हूं कुछ, चलिए छोड़िए उस बात को, चर्चा में वापस लौटिए, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब जल्दी से दीजिए, समय खराब होता है, वरना सुरेंद्र जी जल्दी से, तमीज आदमी, फिर सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए मैं बहुत सुरेंद्र राजपूत जी कह रहा हूं, एक मिनट राकेश जी, हां उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे क्या बिहार हो, बद्री नारायण जी का जो उत्तर प्रदेश का था उससे मैं असहमत सम्मान पूर्वक रहा, और मैंने कहा कि दलित वोट हमारे लिए डिसाइसिव है और उत्तर प्रदेश में हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे। बिहार में मुझे जातिगत जनगणना का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बिहार का जो चुनाव है वो तेजस्वी जी ने जो 5 लाख नौकरियां दी हैं, तो वो जो पहली बार का वोटर है वो इस बार चुनाव को जाति से धर्म से परे बदलने जा रहा है। मेरा पूरा पूरा ये